भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह और काजल राघवानी फिर से एक बार एक स्पेशल नंबर में नजर आएंगे। आपको तो याद होगा छलकत बहमरी जवनिया ये राजा आज भी लोगों के जुबा पर है और अब यही इनका जादू फिल्म पवन पुत्र में भी चलने वाला है। जी हाँ, हम आपके लिए स्पेशली इस गाने की ऑन लोकेशन लेकर आए हैं, साथ ही साथ इस गाने की कुछ क्लिपिंग है, कुछ पिक्चर्स हैं जिसे देखकर आपको ये लगेगा कि दोनों कितने प्यारे और कितने एडोरेबल लग रहे हैं। वैसे मैंने उनको सजन चुनलिया के बाद इनकी फिर से ये जोड़ी एक स्पेशल नंबर में आ रही है। मैंने उनको सजन चुनलिया 2018 की एक बहुत ही बेहतरीन मूवी थी जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया और अब पवन पुत्र में इनकी जोड़ी साथ नजर आएगी, वो भी एक स्पेशल नंबर करते हुए। वैसे तो फिल्म पवन पुत्र की आधे से ज़्यादा शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है, बस थोड़ी ही बहुत बाकी है जिसकी शूटिंग इन दिनों बड़े जोरों शोरों से चल रही है। इसके इस स्पेशल नंबर की शूटिंग इस पूरे फिल्म को खास बनाने वाली है। आपको बता दें, काजल राघवानी और पवन सिंह जब भी एक साथ किसी भी फिल्म में नज़र आते हैं तो लोगों का ध्यान अपनी तरफ वो खींचते ही हैं। इनकी जोड़ी भोजपुरिया पर्दे पर सफलता की गारंटी मानी जाती है और इन दोनों ने अभी तक कोई भी फ्लॉप फिल्म नहीं दी है। अगर सोर्सेस की माने तो काजल राघवानी की जगह पहले आम्रपाली दुबे ये आइटम नंबर कर रही थी, लेकिन मेकर्स को लगा आम्रपाली की जगह काजल ज़्यादा सूट होंगी। वैसे भी आम्रपाली और पवन सिंह की पिछली फिल्म फ्लॉप रही जिसका कलेक्शन उतना अच्छा खासा नहीं रहा बॉक्स ऑफिस पर, इसलिए मेकर्स ने भी ये ध्यान दिया कि अब इन दोनों की जोड़ी की बजाय एक हिट जोड़ी लाया जाए, जिसे मेकर्स ने सोचा कि आम्रपाली और पवन की जोड़ी की बजाय काजल और पवन की जोड़ी को लाया जाए क्योंकि इन दोनों की जोड़ी ने अभी तक कोई फ्लॉप मूवी नहीं दी है। खैर, हमें और दर्शकों को यही उम्मीद है ये फिल्म आते ही सुपर डुपर हिट होगी और गाना, भाई गाना तो लोगों के जुबान पे चढ़ेगा। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।